students, today we are going to study about English grammar lesson number 11 adjectives standard 3. Look at the picture given below. It is daytime and we can see trees, boys and cow, a kite in the picture. What we see are nouns. Let us describe these nouns. ये picture में देख सकते हैं कि यहाँ two boys है, एक cow है, kite है, trees है. तो उसे हम डिस्क्राइब करेंगे. इट इज अ सनी डे. यहाँ डे को डिस्क्राइब किया है कि वो सनी डे है. और टू नंबर पर देयर आर टू ट्रीज. यहाँ पर कितने ट्रीज दिख रहे हैं? टू. तो यहाँ पर ट्रीज को डिस्क्राइब किया है टू. अ टॉल बॉय स्टैंडिंग विथ अ शॉर्ट बॉय. यहाँ एक टॉल बॉय शॉर्ट बॉय के साथ खड़ा है. तो यहाँ बॉय को डिस्क्राइब किया है टॉल और शॉर्ट से. A fat cow is eating grass. यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो काव है वो फैट दिख रही है. तो यहाँ पर काव को डिस्क्राइब किया है फैट काव. A small kite is flying in the sky. एक काइट जो फ्लाई कर रही है स्काई में वो कैसी है? स्मॉल. तो यहाँ पर काइट को डिस्क्राइब किया है स्मॉल से. The words sunny, too, tall, short, fat, small are describing words which tell us more about the nouns. They, trees, boy, cow and kite. Describing words are called adjectives. Describing word को हम adjective भी बोल सकते हैं. और जो noun को describe करता है ना उसे बोलते हैं describing word और adjectives. Adjectives are describing words that tells more about the noun. वो noun के बारे में बताते हैं. यहाँ पर हम example के through समझेंगे. Adjectives can come either before or after noun. Noun adjective noun के आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है. Examples one में देखेंगे the grass is green. तो यहाँ जो grass है वो क्या है? Noun. और उसे describe किया है कि वो green है. तो वो क्या हुआ? Adjective. तो यहाँ noun के बाद में adjective आया. Here's adjective comes after noun. अभी two number पर देखेंगे Vinod is a tall boy. तो यहाँ पर जो बॉय है वो नाउन है. उसे डिस्क्राइब किया है टॉल से कि टॉल बॉय. तो टॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव. यहाँ पर नाउन के आगे एडजेक्टिव है. हियर एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन. क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब. एडजेक्टिव के ऊपर हम अंडरलाइन करेंगे नीचे और नाउन के ऊपर हम सर्कल करेंगे. तो वन नंबर देखेंगे मिस्टर वर्मा इज एन ओल्ड मैन. तो यहाँ जो मैन है वो क्या हुआ? नाउन. तो उसके ऊपर मैंने सर्कल किया और मैन को डिस्क्राइब किया है. मैन कैसा है? ओल्ड. तो ओल्ड के नीचे अंडरलाइन वो क्या हुआ? एडजेक्टिव. द एप्पल्स आर स्वीट. तो यहाँ जो एप्पल है वो नाउन है और कैसे है एप्पल? स्वीट. तो स्वीट के नीचे अंडरलाइन क्योंकि वो एडजेक्टिव है. यू आर वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस. तो यहाँ पर ड्रेस क्या हुआ? नाउन. और कैसा ड्रेस है? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन क्योंकि वो एडजेक्टिव है. फोर नंबर आई हैव टू पेन्स. तो यहाँ जो पेन्स है वो क्या है? नाउन. और कितनी पेन है? टू. तो जो पेन को डिस्क्राइब किया है टू. तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. फाइव नंबर सुनील हैज अ न्यू बैग. तो यहाँ जो बैग है वो क्या है? नाउन. यहाँ बैग को डिस्क्राइब किया है कि वो न्यू बैग है. तो न्यू के नीचे अंडरलाइन क्योंकि वो एडजेक्टिव है. यू कैन वियर द ब्लू शर्ट. तो यहाँ जो शर्ट है वो क्या है? नाउन. और उसे डिस्क्राइब किया है कि वो ब्लू कलर की है. तो ब्लू के नीचे अंडरलाइन क्योंकि वो एडजेक्टिव है. सेवन नंबर आई हैड थ्री स्वीट्स यस्टरडे. यहाँ पर जो स्वीट्स है वो नाउन और उसे डिस्क्राइब किया है थ्री से. एट नंबर द वुड कटर वॉज ऑनेस्ट. तो यहाँ पर जो वुड कटर है वो नाउन है और ऑनेस्ट क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव. टेन नंबर द बॉट ऑफ द पिंक रिबन फ्रॉम द शॉप. यहाँ जो रिबन है वो नाउन है और उसे डिस्क्राइब किया है कैसे कलर की है? पिंक कलर की. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल में नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है और कुछ एग्जाम्पल में नाउन के पीछे भी है. तो यहाँ पर फर्स्ट में ही देखेंगे मिस्टर वर्मा इज एन ओल्ड मैन. तो यहाँ नाउन के आगे है और यहाँ टू नंबर पर नाउन के पीछे है. थैंक यू.